नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और सबसे पहले मेरी तरफ से सॉरी, मैं आपकी क्लास टाइम से प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ। उसका रीजन आप सभी को लगभग पता है कि हमारी मम्मी बहुत तेज छाली निकले हुए हैं, जो बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, उसका रीजन यही है कि मैं कल दवाई लेने के लिए गई, वहां से वापस होने में मुझे रात के 9 बज गए। रात के 9 बजे में वापस घर पे आ पाई, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। और आज क्लास होने का रीजन यही है कि मेरे तबीयत जो है वो ज्यादा ठीक नहीं है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्ती तरीके से बना रही हूँ, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बट ये प्रॉब्लम है तो बच्चे बार बार कमेंट करते कि मैम क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर सीपी नेट का जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर डीओवी भरने में दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत का क्या सोल्यूशन हो सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी। जो भी बच्चा यूपी में सीपी नेट के जरिए एएनएम, जीएनएम या बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 9 जुलाई है। और साथ ही साथ ये फॉर्म जो आपके हैं वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्टल की यहाँ व्यवस्था है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर इसका आता है, तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं तो आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में दी हुई है, क्या क्या बदलाव यहाँ किया गया स्टाल, साथ ही साथ पेपर पैटर्न क्या, फीस क्या, योग्यता क्या, कितनी फीस फॉर्म की लगेगी और कॉलेज में आपसे कितनी फीस मांगी जाएगी, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है, तो आप वीडियो को देख सकते जाके। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से और वहाँ से हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाएंगे गूगल पे, वहाँ सर्च करेंगे यूपी यूएमएस, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पहले ही नंबर पर मिल जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे आपको लिखा मिलेगा सीपी नेट 2024, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज में आपको क्या देखना है, इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट थी वो आपको पता है कि 24 जून इसकी फॉर्म भरने की शुरुआती डेट थी, और यहाँ पर लास्ट डेट जो इसकी थी वो 9 जुलाई। 9 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। पहली बात है, आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर डेट आपकी नहीं बढ़ाई जाती है। मैं लगभग 3-4 साल से इस पर काम कर रही हूँ तो मुझे पता है इसकी कभी भी डेट नहीं बढ़ाई जाती फॉर्म की। तो यदि आपको फॉर्म डालना है तो आप 9 जुलाई से पहले ही भर दीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर कभी भी करेक्शन की डेट नहीं आती है, करेक्शन की डेट भी नहीं आएगी, तो फॉर्म में कोई भी गलती आप ना करें कृपया करके, नहीं तो आपको ही भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ करेक्शन की डेट भी आपकी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर बता रहे कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, इसे आप मैं डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देते हैं, आप भी पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, सारी जानकारी इस ब्राउचर में दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आप इसको स्क्रॉल करते जाएगा, ये यहाँ पर इसकी वेबसाइट है, ये इसकी ईमेल है, ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पे आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करिएगा। और यदि आप कॉल नहीं अब उठा रहे हैं, हो सकता है कॉल आपकी ना उठाएं, लेकिन आप हेल्पलाइन ईमेल जो है इस पर आप ईमेल करें, सभी स्टूडेंट्स हो उस पर मैं भी करेंगे, आप भी करिएगा, उस पर कहिएगा कि यहाँ पर वेबसाइट को अपडेट कर दीजिएगा, वेबसाइट पर जो डीओवी की जो आ रही ऑप्शन आ रहे हैं वो केवल 2005 तक ही या 2004 तक ही आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे अपडेट कर दीजिएगा, यहाँ पर 2007 हो जाए तो मेरा फॉर्म भी भर सकता है। तो आप जब मेल करेंगे तभी हो सकता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये वेबसाइट भी सही से अपडेट नहीं हुई है। तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए, हम भी करेंगे और मैं कोशिश करेंगे कि आपकी कल से क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी जाए, थोड़ा और हमारे छालों में राहत मिल जाए, दवाई में खा रही हूँ, राहत जैसे ही मिलेगी कल से कोशिश करेंगे कि आपकी सीपी नेट के लिए, जीएनएम एएनएम के लिए जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और पता है कि 30 जून को पैरामेडिकल का पेपर भी है, तो मैं कल कोशिश करेंगे कि पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए क्लास लेके आए, ठीक है, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। देखो मुझे ये नहीं है कि मैं आपका नुकसान करवा रही हूँ, मैं जानबूझ के नुकसान कर रही हूँ, मैं जानबूझ के नुकसान किसी का नहीं करना चाहते। मैं जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है तभी मैं क्लास डालती रही हूँ, अन्यथा मैं क्लास डालने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ आपके लिए, ठीक है। और चलिए तो मैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।